हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी भी ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपको बाद में मेरी तरह पछताना ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। और क्योंकि मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मुझको कोई बताने वाला नहीं था, जिस वजह से मैंने कई गलतियां की और मुझे उनका बाद में रिजल्ट भी भुगतना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ। और चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो आपको एक चीज दिमाग में डाल लेनी है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी का मतलब भी होता है रिस्की प्रेगनेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको साफ साफ यहाँ पे अलर्ट कर दूं कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है अगर आपको, ठीक है, आपकी अगर ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो आपको पूरे 9 मंथ डॉक्टर की निगरानी में ही रहना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको डॉक्टर मतलब अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना है, और जो है आपको जैसा डॉक्टर बोले आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है फ्रेंड। मैंने जो है नहीं ध्यान दे पाया था इतना ज्यादा, क्योंकि मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मुझे ऐसा लगता था बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ओके है, क्योंकि बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमको कोई भी दिक्कत भी नहीं करती है और वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है तो वो हमें डॉक्टर ही क्लियर करते हैं। तो प्लीज, जैसा मैंने किया था, आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप जो है बराबर 9 मंथ डॉक्टर के संपर्क में रहें, ठीक है, और आपको डॉक्टर जो भी चेकअप करवाने के लिए बोले, या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बोले, या फिर आपको कोई भी टेस्ट वगैरह के लिए बोले, तो प्लीज आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप तुरंत डॉक्टर के अकॉर्डिंग जरूर करवाएं, ठीक है फ्रेंड। और मैं इसलिए स्पेशली आपसे बार बार कह रही हूं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवा पाया था, जिसकी वजह से मेरा जो छोटा वाला बेबी था उसको जो है एक पेट के अंदर ही बीमारी हो गई थी। मैं इस पे आपको एक वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए इस पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के जरिए अलर्ट करना चाहती हूँ कि जो मैंने गलती है कि आप प्लीज उसको बिल्कुल भी ना दोहराएं, ठीक है। तो आपको बराबर जो है डॉक्टर के संपर्क में रहना है। आप जो है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ पे जो है बिल्कुल भी लालच ना करें पैसों का, क्योंकि होता क्या है कि उस समय हम जो है लालच कर जाते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर को नहीं देंगे। फिर बाद में जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो फिर होता क्या है कि जो हमारे घर में जो कहीं छुपा भी रखा होता है ना, हमको उसको भी निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं ये सब झेल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगी कि प्लीज आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जिंदगी का नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है। जैसे कि जब हमारे बेबी बाहर आ जाते हैं तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनको सही करने के लिए, कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप ये सब बाद में करने की बजाय आप जब वो बेबी को जो है आपके अंदर है तभी आप उनकी केयर कर लें, क्योंकि बाहर आने के बाद तो हमें केयर करनी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि जब वो आपके अंदर है तो आपको पूरा फर्ज, आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप बेबी को जो है कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बेबी को नुकसान पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं इतना आप पे प्रेशर क्यों डाल रही हूं, ताकि आपको बाद में मेरी तरह बिल्कुल भी भुगतना ना पड़े फ्रेंड्स। और मैं एक वीडियो जरूर बताऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं बहुत लकी थी इस मामले में कि मेरा जो बेबी को जो भी प्रॉब्लम हुई थी पेट के अंदर वो सही हो गई थी, लेकिन हर पेरेंट्स इतने लकी नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको स्पेशली अलर्ट करूंगी। तो प्लीज आप डॉक्टर को दिखाने के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, ठीक है फ्रेंड। और सबसे आपको जो दूसरी गलती नहीं करनी वो ये है कि आपको किसी भी हाल में अपना खाना पीना नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि होता क्या है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे उस समय कभी बहुत ज्यादा मूड ऑफ होता है तो कभी बहुत ज्यादा मूड अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ सभी प्रेग्नेंट लेडीजों के साथ होता है कि कभी कभी मूड बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी कभी हम बहुत दुखी रहते हैं, मतलब वो ऐसा होता ही है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आपका मूड अच्छा हो या आपका मूड खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो ये 9 मंथ मिलते हैं ये हमारे जीवन में बार बार नहीं आते हैं। तो प्लीज आप 9 मंथ के लिए अपने मूड पे ना ध्यान दें कि आप अपने बेबी पे ध्यान दें, और अगर आप अपने बेबी के बारे में सोचेंगी, आप अपने बेबी के बारे में ध्यान रखेंगी, तो मैं आपसे पक्का कहूंगी कि आप जो है चाह कर भी कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका मूड चाहे कैसा भी हो आपको स्पेशली खाना है, ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको तीसरा काम जो करना है वो आपको ये करना है
कि आपको जो है प्रेगनेंसी जो है बहुत ज्यादा बेड रेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, मतलब आराम करना है, ऐसा नहीं आराम नहीं करना है, आपको दिन में सिर्फ 2 घंटे आराम करना है और आप जो है चलते फिरते रहें। आप ऐसा ना करें कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ट्विंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी होती थी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन टहलती थी, काम करती थी, सारा काम खुद ही करती थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप एक चीज दिमाग में बिठा लें कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप 9 मंथ जो है बेड रेस्ट कर रही हैं। हाँ, अगर आपकी कोई सीरियस कंडीशन है या आपको डॉक्टर ने बहुत स्पेशली बोला है तो ही आप बेड रेस्ट लें, वरना आप, मैं आपसे कहूंगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप नॉर्मल हैं तो प्लीज आप बेड रेस्ट ना लें ज्यादा, ठीक है। अगर आपको आराम करना है तो आप दिन में 2 घंटे आराम करिए, उसके बाद में आप मॉर्निंग में उठ के जरूर टहलें और थोड़ा सा शाम को भी टहलें, ठीक है। थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखना है, मतलब 2-3 महीने स्टार्टिंग में इतना नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ता है तो हमको बहुत ज्यादा आलस आने लगता है, क्योंकि पेन वगैरह भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा आपके साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपका जो आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको बैठना नहीं है, बहुत ज्यादा बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको चलते फिरते रहना है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है, आराम से चलते फिरते रहना है, थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है, ठीक है। और मतलब कि आपको बहुत ज्यादा आलसी नहीं बनना है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि अगर आप आलसी बन जाएंगी ना तो आपके अंदर जो बेबी है वो आपसे भी बड़ा आलसी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, आपने सुना होगा लास्ट में कि बेबी मूवमेंट नहीं करते, बेबी बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलाते, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ही इतना ज्यादा आलसी रहेंगी, आप ही एक जगह पड़ी रहेंगी, एक जगह बैठी रहेंगी, तो आप खुद सोचिए बच्चा कैसे एक्टिव हो सकता है। अगर आप जितना ज्यादा प्रेगनेंसी में एक्टिव रहेंगी उतना ही ज्यादा आपका बेबी एक्टिव रहेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेबी अच्छा रहेगा। आप जितना चलेंगी, थोड़ा सा टहलेंगी तो ठीक है, बाबू को भी अच्छा लगता है, ओके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई सीरियस कंडीशन होती है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, तभी आप बेड रेस्ट करें, अन्यथा आप पूरे दिन बिल्कुल भी ना लेटे, आप चलते फिरते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। और नॉर्मल और सिजेरियन की डिलीवरी की अगर हम बात करें, वो तो बाद की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बाद में क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपको पूरी प्रेगनेंसी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, चौथा काम आपको ये करना है कि आपको जो दवा दी जाती है आयरन और कैल्शियम की, आपको वो जरूर खानी है फ्रेंड्स, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे बाबू को बनने में जो है सबसे ज्यादा कैल्शियम और आयरन की ही जरूरत पड़ती है। आपने अक्सर कर उस समय देखा होगा कि ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो है आयरन की कमी होने लगती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे बेबी को आयरन की जरूरत पड़ती है और ऊपर से हम आयरन वाली कोई चीजें भी नहीं खाते हैं और जो हमको टेबलेट दी जाती है उनको भी नहीं खाते हैं। तो आप जो है आयरन और कैल्शियम की गोलियों से बिल्कुल भी समझौता ना करें, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप पूरे टाइम अच्छी खिलाई पिलाई करती हैं और अपना वाकायदा ध्यान रखती हैं और आप अपने चलती फिरती रहती हैं, टहलती रहती हैं, तो आपको लास्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी जो है नॉर्मली हो जाएगा, फिर आगे भगवान की मर्जी है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना फ्रेंड। और आपका सबसे पहले जो है आपको बिल्कुल भी आलसी नहीं बनना है, बल्कि आपको एक्टिव रहना है पूरे 9 मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे पता है उससे मैं नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं करती थी। और आपको मैं एक चीज बता दूं, मां बनना इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो वो तो सभी को देनी पड़ती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है। तो मैं आपसे स्पेशली कहूंगी कि प्लीज आप अपनी कैल्शियम और आयरन की टेबलेट बिल्कुल भी इग्नोर ना करें फ्रेंड्स। और हाँ, उस समय दूध भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, मैं आपसे फिर कहूंगी, कैल्शियम और आयरन की। और आप फ्रूट्स जरूर लें, ठीक है फ्रेंड, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स जरूर इन्वॉल्व करें, आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं इसलिए ये स्पेशली वीडियो बनाया है ताकि आपको बाद में कोई भी चीज भुगतनी ना पड़े। आप अच्छे से डाइट नहीं लेती हैं तो आपका बेबी जो है अनहेल्दी होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप पूरे 9 मंथ अच्छे से नहीं खाती, आप हेल्दी चीजें नहीं लेती हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप दूध वगैरह नहीं पीती हैं, आप फल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाती हैं, तो इससे क्या होगा कि बेबी का वेट जो है गेन बिल्कुल नहीं होगा और वो जो है कमजोर पैदा होगा। तो अगर आप ऐसा चाहती हैं कि ऐसा ना हो, तो आपको खाना डाइट अच्छी लेनी ही पड़ेगी और आपको जो है 9 मंथ पूरे स्पेशली खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव नहीं रहती है तो आपका बेबी भी बहुत ही कम एक्टिव रहेगा। एक्टिव मतलब
देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं कि होता क्या है कि प्रेगनेंसी में पूरा जो बेबी का विकास होता है वो माँ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि कैसे डिपेंड करता है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देती हूँ। होता क्या है कि पूरी प्रेगनेंसी माँ कैसे रहती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, क्या खाती है, क्या करती है, और इन सब चीजों का जो इफेक्ट होता है वो सीधे हमारे बाबू पे पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जैसा अपने बेबी को चाहती हैं आपको वैसा ही पूरी प्रेगनेंसी रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेबी जो है बहुत होने के बाद में खुश रहे, गुस्सा ना करे, चिड़चिड़ाए ना, तो आपको पूरी प्रेगनेंसी खुश रहना पड़ेगा। आपने कुछ देखा होगा, कुछ बच्चे होने के बाद बहुत ज्यादा हंसते खेलते रहते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं, बहुत ज्यादा चीखते हैं, तो उसका रीजन यही होता है। जो माँ पूरी प्रेगनेंसी खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, तो उनका बेबी जो होता है वो भी बाद में खुश रहता है। और जो मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भी पूरी प्रेगनेंसी खुश नहीं रह पाई थी, तो मेरा जो एक बेबी है वो बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ा है और एक ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। और बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है, बच्चे जितना ज्यादा रोते हैं, परेशान करते हैं, उतना ही ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप चाहती हैं आपका बेबी बाद में खुश रहे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी खुश रहना पड़ेगा। और जो है अगर आप चाहती हैं आपका बेबी हेल्दी हो तो आपको पूरी प्रेगनेंसी अच्छा खाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, ठीक है। और जो है आप जैसा अपने बेबी को देखना चाहती हैं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। पूरी प्रेगनेंसी अच्छे काम करने होंगे, मतलब आपको कोई भी गलत वीडियो नहीं देखनी है पूरी प्रेगनेंसी। जी हाँ, आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है, आपको पूरी प्रेगनेंसी कोई भी गंदा वीडियो नहीं देखना है, कोई भी गंदी पिक्चरें नहीं देखनी है, आपको अच्छी अच्छी पिक्चरें देखनी है, अच्छे अच्छे एपिसोड देखनी है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा देखना है जिससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी हो, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगी तो आपका बेबी भी ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा बेबी चाहिए, तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आपके 9 मंथ होते हैं, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि बस 9 मंथ हो जाए बेबी आ जाए। बेबी तो आ ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बेबी को तो आना ही है, वो तो अपने टाइम से आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने वो 9 मंथ जो गुजारे वो आपने कैसे गुजारे, बैठ के गुजारे या रो के गुजारे, या मतलब आप एक्टिव रही, या आपने अपने खान पान का ध्यान रखा कि नहीं रखा, ठीक है फ्रेंड। ये हमको 9 मंथ इसीलिए मिलते हैं कि यहाँ पे हमको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि बेबी आ जाए, बेबी तो आ ही जाएगा ना, लेकिन आपकी यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो आपको जरूर पूरी करनी है। आपको 9 मंथ में क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना है, दूसरा आपको कैल्शियम आयरन की टेबलेट लेनी है, तीसरा आपको डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है फ्रेंड। जैसा आपको डॉक्टर बोले वैसा आपको करना है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। होता क्या है कि हम उस समय डॉक्टर की नहीं सुनते और फिर बाद में हम डॉक्टर के अलावा किसी की सुनते नहीं है, तो ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर रही हूँ कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े मेरी तरह। मैं मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे ताकि और भी जो मेरी बहनें हैं जो मेरी तरह लापरवाही करती हैं, तो मैं तो नहीं बच सकी, लेकिन मेरे इस वीडियो के जरिए अगर कोई भी बहन मतलब जो है उनको बाद में ना झेलना पड़े तो मेरे लिए इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स। तो बस इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ कि आप प्लीज बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, ठीक है। आप उस समय होता क्या, उस समय घर में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग होती हैं, जो हमारी सासू माँ वगैरह, वो हमसे कहती हैं कि हमारे तो ऐसे ही हो गए थे, ये हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, पहले का जमाना अलग था लेकिन अब अलग है, ठीक है। पहले बात अलग थी, पहले की खिलाई पिलाई अलग थी, पहले का सब कुछ अलग था, पहले चलते फिरते बच्चे हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जमाना बदल गया, अब खिलाई पिलाई बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, ठीक है। तो आपको भी बदलना होगा। और हाँ, कि आपको जो प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन लगवानी होती है, जिनको टीका बोलते हैं, तो आपको वो जरूर लगवानी है। आप उनको भी लेके किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, ठीक है फ्रेंड। आप वैक्सीन बाकायदा अपने टाइम से लगवाएं, और जो है आप समय समय पे अपना वेट चेक करती रहें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मुझसे कुछ और जानना हो या कोई जानकारी करनी हो किसी भी बारे में लेके, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखती हैं तो मेरा यकीन मानिए, आपको जो है बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में तो आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे एक नहीं बल्कि दो दो बेबी होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा खाएं, हेल्दी से हेल्दी खाएं। और एक चीज और आपको बता दूं
कि प्रेगनेंसी में हमारा बहुत ज्यादा तीखा बहुत ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं खाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप बिल्कुल लिमिट में खाएं। ठीक है, अगर आप ये सोचती हैं आप टिक्की खाती हैं उस समय समोसे बहुत ज्यादा खा रही हैं बतासे मतलब कुछ भी खा रही हैं, तो वो आपके बेबी को बिल्कुल भी फायदा नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं उनसे आपके बेबी को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलेगा, वो सिर्फ जो है टेस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, और सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए होते हैं। तो आपका जब भी मन चले आप कोशिश करें कि कम से कम खाएं। मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही कम तीखा वगैरह खाया, बहुत ही कम। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाएंगी तो इसका इफेक्ट आपके बाबू पे पड़ता है। तो आपको अपने लिए ना सही बाबू के लिए तो ध्यान रखना ही है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। आप जो है पूरी प्रेगनेंसी पानी का विशेष ध्यान रखें। आप क्या लेडीज ज्यादातर गलती करती है कि पानी नहीं पीती हैं, फिर बाद में क्या होता है कि बच्चे जब लास्ट में कभी कभी आपने सुना होगा कि जो है पानी नहीं था, बच्चा बिल्कुल पानी खत्म हो गया था। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपको बाद में निगेटिव रिजल्ट आए। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं, आप कोशिश करें कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी मूड अच्छा रहे। मतलब आप एक चीज बता दूं, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि बस आपके ही साथ ऐसा होता है कि कोई हमारी नहीं सुनता, हमारा ध्यान नहीं रखता, ये नहीं करता। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, ये सब जो बातें होती हैं ना, ये आप 9 महीने बाद भी कर सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 9 महीने होते हैं हमारे जीवन में बार बार नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको सारी टेंशनें भुला देनी, आपको अपने आप को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। ठीक है, और मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मूड को अच्छा रख सकती हैं और किन किन चीजों में आप बिजी रह सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके साथ ही, मेरे साथ भी होता था, कभी कभी बहुत टेंशन होती थी। और एक चीज बता दूं, ये जो हमारी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, इस समय हमारे साथ स्पेशली होता है कि हमें हर छोटी से छोटी बात खराब लग जाती है, हर छोटी से छोटी बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। तो ठीक है, और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन फिर भी आपको मैं फिर से कहूंगी कि आपको जो है इस समय पूरी प्रेगनेंसी कोशिश करना है कि आप अपना मूड अच्छा रखें, आप जो है टहलती रहें, थोड़ा सा गार्डन वगैरह हो वहां जाती रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा मूड अच्छा रहेगा, आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के थोड़ा सा टहलें। तो ठीक है, तो जब आप सुबह सुबह टहलेंगी तो आपका मूड फ्रेश रहेगा। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। आपको कम से कम दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है फ्रेंड्स। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपको चलते फिरते रहना है, बहुत ज्यादा लेटना नहीं है। ठीक है, आप ये ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी कि आप बीमार नहीं है, आप प्रेग्नेंट हैं। ओके, तो और सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो ये करना है, मैं फिर से कहूंगी कि आपको डॉक्टर के बिना कोई भी काम नहीं करना है फ्रेंड्स। कोई भी टेबलेट खानी हो, कुछ भी खाना, और डॉक्टर के बिना सलाह के ना खाएं। ठीक है, और अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आप पूरी प्रेगनेंसी डॉक्टर के अंडर में ही रहें। आप मतलब अंडर का मतलब ये नहीं, अंडर का मतलब होता है डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आप चाहती हैं कि बाद में आपके जो बेबी हैं वो डॉक्टर से दूर रहे, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो ये है कि आपको अच्छा खाना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहती हैं बाद में आपको जो है डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़े, डॉक्टर को रुपए ना देने पड़े, तो आप उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप जो भी रुपए है अपनी खिलाई पिलाई में लगाएं, अपना ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं और वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे ऐसे ट्विंस प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आपके लिए जानकारियां लाती रहूंगी। ठीक है, और जो है मतलब बाबू के लिए रेसिपी वगैरह क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, मैं आपको यही सब अपने चैनल पे दिखाऊंगी। तो आप जो है आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आता रहे, तो आप इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के साथ साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।